सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक और नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है जो कि आपकी रहने वाली है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है वो इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। इसके द्वारा जो है आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड को एज ए असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि आपके 01/2023 बैच इनटेक के लिए रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, कब जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट जो है वो कब तक आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट से फिलअप कर पाओगे 16 फरवरी 2022 से, यानी कि आज से 10 दिन बाद जो है आप लोग इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके लिए जो है लास्ट डेट रखी गई है 26 फरवरी 2022, यानी कि आपको जो है फॉर्म भरने के लिए ऑलमोस्ट 10 दिनों का समय दिया गया है। तो आप लोग जो है वक्त रहते फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट के बारे में जो है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसके बारे में जो है वो लोग अलग से नोटिस जारी करके बताएंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ीस रखी गई है और क्या जो है इसके लिए क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ये आपके जो है कोई भी आपके लिए फ़ीस नहीं रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि नो एप्लीकेशन फीस फॉर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 02/2022 रिक्रूटमेंट ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली फिल्ड द ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि आपको जो है केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी किसी भी तरीके का जो है ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करके नहीं भेजना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के 02/2022 बैच इनटेक की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर जो है फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर जो है दोस्तों डेली रात को 9 बजे हमारा एक लाइव प्रैक्टिस सेट चलता है जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम के सेक्शन 1 के लिए रहता है। तो अगर आप लोगों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोग जो है अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए जो है आपको दोस्तों सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में जो है आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको चूज़ योर गोल्स में डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है मेरा यूज़र नेम सर्च करना होगा जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो जरूर से कर लें जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, पीडीएफ वगैरह जो है वो मिलते रहें। और दोस्तों पहली बार जो है हमारी क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग कोड को यूज में करेंगे DPYT10। इस कोड को आप जब यूज करेंगे तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अनलॉक हो जाएगी। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो कोई भी तो आपको जो है उसमें 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग हमारा ये रेफरल कोड यूज करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी भी पसंद आई होगी। तो इसके लिए लिंक्स आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही जो है उसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही जो है उसकी एज लिमिट्स क्या रखी गई है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नाविक जनरल ड्यूटी और साथ ही जो है आपके पायलट नेविगेटर, ठीक है। तो जनरल ड्यूटी के लिए बात की जाए असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी पायलट और नेविगेटर के लिए, तो इसके लिए जो है आपके पास में दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके मिनिमम 60% होने चाहिए ऑल सेमेस्टर या फिर ऑल ईयर में, यानी कि आपके जो है पर ईयर के अंदर 60% तो एज ए कंपल्सरी होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास में 10+2 यानी कि 12th में जो है आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। इसमें जो है दोस्तों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए जो आपके एज लिमिट रखी गई है वो एक साथ
7/1998 से लेकर के 30/6/2002 के बीच में रखी गई है, और साथ ही जो है इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप लोगों की एज लिमिट जो है वो इनके बीच में या फिर इन डेट्स को हुई है तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपके कमर्शियल पायलट CPL SSA के बारे में, ठीक है। तो कमर्शियल पायलट के लिए अगर बात की जाए तो आपके पास में जो है DGCA से अप्रूव्ड जो है वो एक लाइसेंस होना चाहिए कमर्शियल पायलट का, साथ ही जो है आपके 10+2 लेवल में जो है 60% होने चाहिए, ठीक है। और मेल और फीमेल जो है इसके लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एज लिमिट जो है वो आपकी 1/7/1998 से लेकर के 30/6/2004 के बीच में रखी गई है, साथ में इन डेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर जो है अब तक आपको नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती थी, लेकिन अगर आप लोग जो है असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हो और उसके बारे में अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, जिससे कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आपको गाइड कर देंगे। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको टेक्निकल मैकेनिकल के बारे में। तो टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए जो है आपके पास में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए नेवल आर्किटेक्चर के अंदर, और साथ ही जो है आपके मरीन और ऑटोमोटिव और मैकेनिक्स के अंदर जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और उसमें भी जो है आपके पास में मिनिमम 60% होने चाहिए। और इसके लिए जो है केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपके 1/7/1998 से लेकर के 30/6/2002 के बीच में रखी गई है, साथ ही इन डेट्स को भी इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यहाँ पर ऑफिसर पोस्ट मिलने वाली है, तो आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ ही जो है आपके मिनिमम 60% जो है इनमें होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपके टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इसमें जो है आपके पास में बीटेक या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेशन और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी जो है आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। दोस्तों इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसकी भी लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग जो है उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही बता दूं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके 10+2 लेवल में जो है मैथ्स और फिजिक्स का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसके लिए एज लिमिट जो है वो 1/7/1998 से लेकर के 30/6/2002 के बीच में रखी गई है, ठीक है। और साथ ही जो है आपके SC और ST को एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लॉ एंट्री के बारे में। तो लॉ एंट्री के लिए अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपके पास में जो है लॉ की डिग्री के अंदर 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। और इसके लिए भी दोस्तों आपके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, और इसके लिए जो है एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। तो 1/7/1993 यानी कि 1993 से लेकर के 30/6/2002 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों आपके हाथ में एक बहुत ही सुनहरा मौका है इंडियन कोस्ट गार्ड को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने का। तो अगर आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो और आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट डिवीजन के साथ में, तो दोस्तों आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस नहीं रखी गई है, और साथ ही जो है ये आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर बनने का मौका भी देती है रिक्रूटमेंट। तो इसको हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, साथ ही अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट्स PDF वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।